तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में छाया है क्रिकेट का खुमार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को दूसरे वनडे मैच खेला जाएगा। ये रायपुर में खेला जाएगा, जहां पर एक तरफ टीम इंडिया दूसरा मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरा मैच जीतना चाहेगी। दोनों टीम्स के बीच दूसरा वनडे शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, तो वहीं भारतीय खिलाड़ी दूसरे वनडे मुकाबले के लिए काफी उत्साहित है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ये मुकाबला 21 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे खेला जाना है। पहली बार रायपुर में छत्तीसगढ़ में ये इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है। तो रायपुर में 21 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड का ये दूसरा वनडे खेला जाना है वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम। सत्या राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सत्या, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों का, फैंस का एक्साइटमेंट देखते ही बन रहा है, इंतजार है 21 तारीख का। देखिए, वनडे सीरीज का दूसरा मैच जो कल है शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में होना है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है प्रैक्टिस का दौर जारी है। अभी जो है भारत के जो प्लेयर हैं वो जो है पसीना बहा रहे हैं, इंडियन टीम के जो क्रिकेटर हैं, और इससे पहले की बात करें तो न्यूजीलैंड है वो यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। तो ये तैयारियों की जो है दृश्य आप सीधा स्टेडियम से देख रहे हैं। और अगर हम इसमें बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की कर दी गई है और पुलिस की तैनाती अभिषेक जो है हो गई है, मोर्चा संभाल चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर हम बात करें तो टिकट को लेकर बहुत ही मारामारी की स्थिति जो है बनी हुई है। चूंकि क्षमता है स्टेडियम का 65,000 का और यहाँ पे लाखों लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच होने के कारण यहाँ पे आना चाहते हैं, और ऐसे में जो है कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे हैं कि टिकट को लेकर जो है कालाबाजारी हो रही है। तो इस तरह की कई जो है मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात करें इसको मैच को लेकर, तो मैच में अगर दिन तिथि की बात करें तो कल 1 बजे से यह मैच जो है खेला जाएगा रात को 10:30 बजे तक। और इसके लेकर जो है लोगों में, ये क्रिकेटर्स लवर्स में, क्रिकेटरों का जो फैन है वो लगभग जो है अपनी कल के लिए तैयारी कर चुके हैं, और अभी एक झलक देखने के लिए भी लोगों की जो है बाहर भीड़ लगी हुई है। और जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं स्टेडियम से, वहाँ पे जो प्लेयर हैं उनमें जो है रोहित शर्मा की कप्तानी पर जो है ये कल जो है इंडिया जो है मैदान पर उतरेगी, और आज जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो है रोहित शर्मा है, गिल है, ईशान है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, सूर्य कुमार यादव है, केशव भरत हैं, हार्दिक पांड्या हैं, और चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक जैसे प्लेयर हैं जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगभग जो है कल की तैयारी पूरी हो चुकी है, और कल ये स्टेडियम जो आज खाली दिख रहा है, कल यहाँ पे जो है खच्चा खच पब्लिक जो है देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सीटियाँ भी बजेगी और हूटिंग भी होगा, क्योंकि प्लेयर में एक अलग ही उत्साह है। पहला इंटरनेशनल मैच यहाँ पे जो है खेला जा रहा है, हालांकि इससे पहले यहाँ पे IPL भी हुआ है और रोड सेफ्टी का सीरीज भी यहाँ पे कराया गया है। तो यहाँ पे जो आयोजन को लेकर हम बात करें, तो ये टिकट के सीटिंग व्यवस्था की हम बात करें तो अलग अलग जो है यहाँ पर व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पे जो है 500 से लेकर 10,000 तक की जो है यहाँ पे सीट जो है निर्धारित की गई थी। कॉर्पोरेट बॉक्स के जो है मूल्य 10,000 रखा गया था, और स्टूडेंट के लिए ID कार्ड दिखाने पर 200 रुपये का डिस्काउंट था, और वहीं पर 5,000 की सीट है, 1,500 की सीट है, और जो है इस तरह से जो है टिकट के जो अलग अलग कैटेगरी में जो है व्यवस्था की गई है। तो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं जो है शहीद वीर नारायण स्टेडियम से, जहां कल जो है वनडे मैच का दूसरा सीरीज जो है भारत और जो है न्यूजीलैंड के बीच जो है खेला जाएगा। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ जो है पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट का दीदार करने